लोकसभा चुनाव 2024 के शुरू होने से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक कथित शराब घोटाले में जेल चले जाते हैं। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी बीजेपी पर तो हमलावर है ही, पर मामले में ताज़ा अपडेट है केजरीवाल की सेहत को लेकर। दिल्ली की एक अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने नियमित डॉक्टर से सलाह करने के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अपना जवाब दाखिल किया। ईडी की तरफ से पेश हुए वकील जुहैब हुसैन ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शुगर बढ़ने की वजह उनका घर का खाना है। उन्हें घर से आलू पूड़ी, आम, मिठाई और मीठी चीज़ें खाने के लिए दी जा रही हैं और ये मेडिकल के आधार पर जमानत दाखिल करने का आधार बनाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने ईडी के वकील की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि जांच एजेंसी ये बयान मीडिया के लिए दे रही है। अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि उनका फास्टिंग शुगर 243 था, जो कि बहुत ज्यादा है। केजरीवाल को डॉक्टर द्वारा निर्देशित भोजन ही दिया जा रहा है। वहीं ईडी ने कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल चीनी वाली चाय पी रहे हैं। ईडी का जवाब सुनने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका वापस ले ली। केजरीवाल के वकील ने कहा कि वे संशोधित याचिका दाखिल करेंगे। ईडी ने कहा कि हमने केजरीवाल के शुगर लेवल को लेकर जेल अथॉरिटी से रिपोर्ट मांगी थी और केजरीवाल के डाइट चार्ट को भी मांगा था। बता दें कि रॉयल्स एवेन्यू कोर्ट से जेल अथॉरिटी से केजरीवाल का डाइट चार्ट मांगा गया और अब शुक्रवार यानी कि कल के दिन इस मामले पर सुनवाई होनी है। आपको ये भी बता दें कि विशेष न्यायाधीश राकेश सियाल की समक्ष दायर अपनी याचिका में केजरीवाल ने कहा था कि उनका रक्त शर्करा यानी कि शुगर स्तर बढ़ घट रहा है और वे अपने नियमित डॉक्टर से परामर्श करना चाहते हैं। न्यायाधीश ने ईडी को 18 अप्रैल तक उसका जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे। केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए ईडी के वकील ने दलील दी कि जेल में ऐसे रोगियों के लिए आवश्यक सुविधाएं हैं तथा वहां उनका चिकित्सा परीक्षण हो रहा है। लेकिन मामले में दिलचस्प मोड़ इस बात को लेकर आता है कि जब केजरीवाल को शुगर है तो उनके घर से इस तरह से खाने की मीठी चीजें क्यों आ रही हैं जो लगातार केजरीवाल का शुगर बढ़ा सकती है। हालांकि परिवार का कहना है कि ये जो हम खाना परोस रहे हैं, जो खाना केजरीवाल के लिए आ रहा है, वो डॉक्टर द्वारा निर्देशित है। बहरहाल मामले पर हमारी नज़र है, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।